हे गाइज, वेलकम बैक टू वी ब्लॉग्स। और एक नए धमाकेदार ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं कुमार अभिषेक, और अभी जहाँ मौजूद है वो है मऊ जिला, जहाँ हमारा घर है। और हम जाने वाले हैं तरकुला देवी, जो गोरखपुर से करीबन 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो वहाँ जाने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं, और आप सभी को अच्छे अच्छे सीन दिखाएंगे। तो भाई कार से हम निकल रहे हैं, मौजूद है हमारे भाई, देखिए बबलू, इधर देखिए भाई। और अभी हम बस यहाँ से निकले हैं, करीबन 5 किलोमीटर अभी हुआ है, और यहाँ से डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो जाने में करीबन 2.5 घंटे लग जाएगा। तो निकलते हैं। लिए नहीं जाएंगे हॉस्पिटल, आपका ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी 50 किलोमीटर की दूरी कवर करके पहुंच चुके हैं पड़हलगंज। पड़हलगंज जो कि गोरखपुर जिले में पड़ता है, और जो यहां का रास्ता है अभी काफ़ी ख़राब है। अभी हम NH 29 पे हैं, और ये जो रोड है हाईवे अभी का काम चल रहा है, इस वजह से अभी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो अभी 50 किलोमीटर की दूरी और तय करना है, देखते हैं आगे रोड कैसा मिलता है। तो आप दिखाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोड अभी ये जो काम है अभी चल रहा है, इस वजह से जो दूरी है में टाइम लग रहा है। और ये रोड मऊ से लेके गोरखपुर तक जो एक्सप्रेस है, ये NH 29 काम अभी चल रहा है, और काफ़ी टाइम से ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और काफ़ी ख़राब रास्ता है। फ्रेंड्स, अभी सीन ऐसा है कि हम लोग जल्दी के चक्कर में काफ़ी लेट हो गए, और लेट इसलिए हो गए कि जो माँ से हमारे बबलू हैं वो बोले कि हाईवे रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो शॉर्टकट यानी कि गांव की तरफ चलते हैं। तो गांव में आने के बाद रास्ता तो उससे भी ख़राब मिला, यानी कि जल्दी के चक्कर में और विलम्ब हो गया। मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मंदिर के पास ये लाइन से मांस मीट की दुकान है। तो ये मीट की दुकान आखिर में मंदिर के पास क्यों है, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। वीडियो बने रहे, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अभी तरकुला देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। तो मंदिर पहुंचे हैं, तो इसकी कुछ प्रमुख बातें आपको बता देते हैं कि ये गोरखपुर से करीब 20 किलोमीटर पहले देवीपुर गांव में तरकुला देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो पूर्वांचल में एक धार्मिक केंद्र है। कभी ये घने जंगल हुआ करता था, लेकिन आज माँ के आशीर्वाद से काफ़ी आबाद है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद प्रसाद के रूप में मीट ग्रहण करते हैं, ऐसा यहाँ का मान्यता है। तरकुल के पेड़ के नीचे माँ तरकुला देवी माँ का मंदिर है, जो सबकी मन्नतें पूरी करती है। तो ये थी मंदिर की जानकारी, अब है आपकी भाई की बारी। अपने पूरे परिवार के साथ आइए, और कोई भी नहीं। मंदिर के पास आ गए, और अभी प्रसाद लेके मंदिर के अंदर चलेंगे और देवी का दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। ये
दक्षिणा चढ़ाते जाए भैया, हाँ प्रसाद कि ऐसी मान्यता है कि लोग बताते हैं कि यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत मांगने के स्वरूप यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पे घंटी चढ़ाने की परंपरा है। यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार लोग अपनी घंटी चढ़ाते हैं, जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से घंटी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग रक्षा सूत्र मंदिर के चारों ओर बांधे हुए हैं, ने भी मन्नत के रूप में धागे बांधे हैं और क्या मन्नत है वो मन्नत पूरी होने के बाद जब भी होगा हम आएंगे और अपनी क्षमता अनुसार इस मंदिर में अपने जो भी हमारी क्षमता होगी उस स्वरूप यहाँ पे दान देंगे। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई से भी इस मंदिर का इतिहास जुड़ा है। अंग्रेज भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे। डुमरी रियासत के बाऊ बंधु सिंह आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वह अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूके हुए थे। बंधु सिंह माँ के बहुत बड़े भक्त थे। 1857 के आसपास की बात है जब पूरे देश में आज़ादी के लिए युद्ध का ऐलान हुआ। गुरिल्ला युद्ध में माहिर बाबू बंधु सिंह भी इसमें शामिल हो गए। वह घने जंगल में अपना ठिकाना बनाए हुए थे। जंगल में घना जंगल था, काफ़ी जंगल से ही गुर्रा नदी गुजरती थी। उसी जंगल में बंधु एक तरकुल के पेड़ के नीचे पिंडियों को बनाकर माँ भगवती की पूजा करते थे। अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध लड़ते और माँ के चरणों में उनकी बलि चढ़ाते, इसकी भनक अंग्रेजों को लग गई। उन्होंने अपने गुप्तचर लगाए, अंग्रेजों की चाल कामयाब हुई और एक गद्दार ने बाबू बंधु सिंह के गुरिल्ला युद्ध और बलि के बारे में जानकारी दे दी। फिर अंग्रेजों ने जाल बिछाकर वीर सेनानी को पकड़ लिया। दोस्तों, आगे कहानी कुछ इस प्रकार है कि तरकुला देवी के भक्त बाबू बंधु सिंह पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया। अंग्रेज जज ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई, फिर उनको सार्वजनिक रूप से फांसी देने का फैसला लिया गया ताकि फिर कोई बगावत ना कर सके। 12 अगस्त 1857 को पूरी तैयारी कर बाबू बंधु सिंह के गले में जल्लाद ने जैसे ही फंदा डालकर लीवर खींचा, फंदा टूट गया। 6 बार जल्लाद ने फांसी पर उनको चढ़ाया लेकिन हर बार मजबूत से मजबूत फंदा टूटता गया। अंग्रेज परेशान हो गए, जल्लाद भी पसीने पसीने होने लगा। जल्लाद गिड़गिड़ाने लगा कि अगर वो फांसी नहीं दे सका तो उसे अंग्रेज फांसी पर चढ़ा देंगे। इसके बाद बाबू बंधु सिंह ने माँ तरकुला देवी को गुहार लगाई और प्रार्थना कर कहा कि उनको फांसी पर चढ़ जाने दे। उनकी प्रार्थना के बाद 7वीं बार जल्लाद ने जब फांसी पर चढ़ाया तो उनकी फांसी हो सकी। इस घटना के बाद माँ तरकुला देवी का महात्म दूर दराज तक पहुँचा और मन्नत मांगने वालों की संख्या लाखों में पहुँच गई। काफ़ी कम है इस मंदिर में, लेकिन जब नवरात्रि आती है तो इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लाखों में जाती है। यानी कि 9 दिन के अंदर मतलब काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं और फिर जब मन्नत पुराती है तो आते हैं। फिर अपनी क्षमता अनुसार जो भी उनका मन्नत होता है उस हिसाब से पूजा प्रार्थना करते हैं। Thank you.
गाय की बलि चढ़ाने की परंपरा है। लोग दूर दराज से आते हैं और मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होने के बाद बकरे की बलि चढ़ाते हैं और फिर मिट्टी के बर्तन में यहीं बनाते हैं और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो हम भी यहाँ पे आए हैं और प्रसाद स्वरूप यहाँ पे हमारा प्रसाद बन रहा है और उसको ग्रहण करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मीट बनके तैयार हो गया है। देखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है और साथ में है गर्मा गर्म लिट्टी। तो टेस्ट करते हैं, खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। प्रसाद ग्रहण हो गया। प्रसाद का मतलब कि भोजन ही समझिए और काफ़ी अच्छा बनाता, स्वादिष्ट बनाता। यहाँ पे ऐसा है कि आप कैसे बनाइए अच्छा ही बनेगा, तो काफ़ी स्वादिष्ट था। और समय हो गया है शाम के 6 बजे, अब यहाँ से निकला जाएगा। सो फाइनली घर आ चुके हैं और टाइम हो रहा है रात के 10। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फिर दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।